नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में एक बार फिर से आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से करण और प्रीता की खबर इस समय न्यूज मीडिया में फैल चुकी है डिवोर्स के लिए, और जिसके बाद में करण की माँ यानी करण की मॉम बहुत ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो सब कुछ करा धरा है ये किसी और का नहीं बल्कि ये नताशा का है, और लगातार नताशा को भी टारगेट किया जा रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि नताशा ने जो इतना बड़ा रायता फैलाया है, अब इसके बाद में एक नई खबर और मिल रही है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ऋषभ के घर में एंट्री होने जा रही है। लेकिन ऋषभ से ही पहले जो इस समय ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे ज़्यादा खास न्यूज़ आ रही है, ये न्यूज़ इस प्रकार से है कि इस समय एक्सीडेंट जो कि बाद में थाने में पहुंचे थे, यानी कि करण और नताशा, जिसके बाद में मीडिया में ये छप चुका है कि जल्द ही करण लूथरा ले रहे हैं अपनी वाइफ प्रीता से डिवोर्स और करने जा रहे हैं नताशा से शादी, जिसके बाद में करण की माँ इस पेपर को पढ़ने के बाद में पूरा घर का माहौल जो कि सिर पर उठाने के बाद में बोल दिया है कि करण क्या ये सच है, क्योंकि जो इस घर से बाहर होना चाहिए वो शादी की ख्वाब देख रहे हैं, जो कि नताशा के लिए बहुत गंदी गंदी सुनाती हुई नज़र आ रही हैं, और सैलन से बोल दिया है कि सैलन अपनी बहन नताशा को अभी के अभी इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। आने वाला एपिसोड वाकई में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से नताशा इस समय अपनी प्लानिंग को खुद अपने हाथों देख रही है कि किस तरीका से फेल होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ बड़े अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जहां प्रीता सृष्टि और बात की जाए समीर, तो इन तीनों मिलकर जो कि एक नया पर्दाफाश करने जा रहे हैं, और नया पर्दा किस तरीका से है मैं आपको बताना चाहता हूँ। नया राज इस तरीका से है कि ऋषभ की सच्चाई सभी लोगों के सामने आने जा रही है कि आखिरकार ये ऋषभ को क्यों छुपा के रखा था, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता थी लेकिन इन लोगों ने बताया नहीं था। साथ ही दोस्तों, अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपना नाम कॉमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।